नमस्ते स्वामी जी, आप तो सब जानते हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। जब पूजा से बात नहीं बनती तो यज्ञ किया जाता है, और याद रखो यज्ञ की अग्नि में बहुत कुछ भस्म कर देना पड़ता है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन आगे भी तो बताइए कि मैं क्या करूं। आदमी के पास जिस प्रकार का अस्त्र शस्त्र हो उसी प्रकार का युद्ध लड़ना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धांत। जिनकी आत्मा पर बोझ होता है कभी कभी उनकी जबान साथ नहीं देती, शायद इसीलिए तुम अपना बयान लिख कर लाए हो। यह मेरा बयान नहीं, रेजिग्नेशन लेटर है, त्याग पत्र। अब मैं इस वर्दी के पिंजरे से आजाद हो चुका हूं, ना तुम मेरे सीनियर और ना मैं तुम्हारा जूनियर। अब मुझसे सवाल करने के लिए तुम्हें अदालत के दरवाजे खटखटाने होंगे। जब तक मैं तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह ना कबूल करवा लूं, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा रेजिग्नेशन लेटर कमिश्नर साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये तो उसकी जरा कॉपी है, और वैसे भी लोग तुम्हें कानून की जरा कॉपी ही समझते हैं, इसलिए तुम जरा कॉपी के ही लायक हो। कमिश्नर साहब को पता है कि इस वक्त मैं तुमसे मिलने आया हूं, हद से बाहर मत निकलो वरना कानून के शिकंजे में फंस जाओगे। तुम मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप तो क्या कॉमा भी नहीं लगा सके, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में फुल स्टॉप जरूर लगाऊंगा। वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लिए अच्छा तो रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती, तेरे को और मिलता नहीं क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए, ये लो जाओ। सर बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं, कमल राय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है, 400 ट्रक है, 1200 करोड़ के मालिक, बहुत नाम वाले लोग हैं, ईमानदार हैं। ईमानदार? वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप है, आप लड़की के बाप है, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं, मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ, फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं। अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा, फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पट्टा खामखा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं मैं नहीं, मैं तो पिए हूँ, उधर हो। आप कहाँ थे इतनी देर से? आइए सर, ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है। नहीं नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं जी, ये मेरी माता जी है, नमस्ते, और ये हमारे मैनेजर साहब है। पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा आप लोग बैठिए ना। मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ, सब फ्लॉप तो होने वाला है, आपने क्या करने का? अच्छा, क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी
छह महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए। जी हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, हेलो कन्हैयालाल। क्या हुआ? फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। मिठाई तो खिलाओ सबको। शादी पक्की हो गई? अरे मुबारक हो, लो सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार। ये लीजिए, ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं नहीं अंकल, वहां से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ था मतलब? तो क्या मैंने खा लिया? नहीं नहीं मेरा। अरे वाह, देखो सर ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार, मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया, ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं। बाबूजान, बाबूजान, वो लड़की जो उस दिन हमारे चुंगल से बचकर भाग गई थी पूजा, वो मेरे भैया के कब्जे में है और वो उसे प्यार भी करने लगे हैं। फिर वो मुझे जरूर पहचान लेगी और मैं उसे बच नहीं पाऊंगा और भैया भैया तो मुझे जान से मार डालेंगे। तुम कुछ करो बाबूजान, तुम उसे जान से मार डालो, उसे मार डालो बाबूजान, वरना मैं मर जाऊंगा बाबूजान। ए ए जेनी, जेनी जेनी ये बस करो और मेरी बात सुनो, तुम उसे मरवा दो वरना भैया मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाबूजान याद रख, रावण की मौत नहीं होती अगर उसका छोटा भाई नहीं होता। पूजा कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ, भैया ने उसे कहाँ रखा है। हेलो सर, मैं हवलदार रमन्ना बोल रहा हूँ। कुछ गुंडों ने उस घर पर हमला कर दिया है जहाँ आपने पूजा जी को रखा है, आप जल्दी आ जाइए। इंस्पेक्टर सिद्धांत, ऑपरेशन कामयाब हो गया लेकिन सब पर गहरा जख्म लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इंस्पेक्टर सिद्धांत, आपका डिपार्टमेंट मुजरिमों के खिलाफ गवाह तो तैयार कर लेता है लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर पाता। मैंने उसके लिए दो गार्ड दिए थे डॉक्टर। वो गुंडों को नहीं रोक पाए तो गलती उनकी थी या आपके डिपार्टमेंट की? और फिर सजा किसको मिली, किसको मिली सजा? चूंकि पूजा स्टेज की आर्टिस्ट थी इसलिए पहले से मैं उसको जानता था। माँ बाप तो है नहीं, पहले से उसकी जिंदगी वीरान थी, अब तो उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। कुछ लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और दुश्मन, दुश्मन तो उसे मार ही डालेगा। फिर आगे उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? किसी के भी जिम्मेदार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो बर्बाद ही नहीं होगी। मैं
कितने भोले भाले लगते हैं। एक एक थोड़ी, पहले छह आना चाहिए। एक गया। अरे सुनो, कोई बकरा आ रहा है, जा तू। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, आप नहीं चुराई होगी। क्या मतलब, मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर नहीं, हाँ लेना यार, घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं। तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो खड़े रहो, मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में है, तुझ में और तुझ में है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है सर। मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं, मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखाई नहीं तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाके उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया? अभी सीट दिलाता हूँ। सर 5 लाख रुपया तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ, 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं, उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े लत्ते बर्तन सारे बेच दिए जाएं, उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू 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 हट, इसे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन। मैं निकल, तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो, हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो हवलदार, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लो। बताओ 5 रुपए रिश्वत देता। अरे सिद्धांत कहाँ है? यहाँ बाबू जी। आओ बेटे आओ, बैठो। सिद्धांत मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के लिए बहू को लेके तुम किसी अच्छी जगह पे चले जाओ। ये हुई ना कोई बात, और ये शुभ कार्य आज ही कर डालिए। क्यों भैया, कुछ बोलते ही नहीं है। कैसे बोलेगा, ये तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। ये जानता है कि इलेक्शन के हंगामे शुरू हो गए हैं। बाबूजी इलेक्शन में खड़े हैं, कितना काम है यहाँ पर। क्या नंदू बराबर है ना? इतना काम है तो छोड़ दीजिए बाबूजी, इन्हें काम करने दीजिए। अरे मेरे इलेक्शन की चिंता तुम क्यों कर रहे हो, मैं देख लूंगा। और वैसे भी तुम सरकारी अफसर हो, तुमसे 1 वोट से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। बहू एक से कई सदमों से गुजरी है, जरा बाहर जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। और तुम ये क्यों नहीं सोचते, नई नई दुल्हन के कुछ अरमान भी तो होते हैं। हाँ, और उन्हें पूरा करना ये भी तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है,